हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मोबाइल होल्डर के बारे में जो कि हमारे कार के डैशबोर्ड पे बहुत ही इजीली फिक्स हो जाता है। ये मोबाइल होल्डर मैं यूज़ करूँगा अपने ब्लॉगिंग के लिए, ताकि अगर जब भी मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ तो फिर मैं आराम से अपने मोबाइल को होल्डर में डाल दूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँ और जो भी सामने का व्यू है वो अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। एक अदर ऑप्शन है कि मैं एक अलग से कैमरा लो लूँ। बहुत सारे कैमरे मार्केट में आते हैं और वो बहुत इजीली फिक्स हो जाते हैं डैशबोर्ड में, बट उसके लिए अननेसेसरी कॉस्ट पड़ेगा, मे बी 20,000 टू 40,000 के बीच में, अगर मैं एक अच्छा कैमरा लूँ, जो कि अननेसेसरी कॉस्ट है और वो एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है मेरे लिए। तो इसी कारण से मैंने सोचा कि चलिए एक मोबाइल होल्डर ले लिया जाए और जो भी मेरे पास मोबाइल है उससे मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ। तो आज हम इस मोबाइल होल्डर की अनबॉक्सिंग करेंगे आज हम, और देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसके साथ हमें मिला है, और इसको मैं आप लोगों को अपने कार के डैशबोर्ड में फिक्स करके दिखाऊंगा, प्लस रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगा कि अगर कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हेलो दोस्तों, ये आप पैकेट देख सकते हैं जो ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। मैं जस्ट ओपन करके देखा था क्या है इसके अंदर, तो जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो पैकेट ओपन करने पे एक ये बिल आता है अमेज़ॉन से, ये है, प्लस एक ये पैकेट है। इसके अंदर देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले एक ये मैनुअल दिया हुआ है, ये भी देखेंगे हम लोग, और उसके बाद दो कंपोनेंट्स हैं आप देख सकते हैं, इसको जस्ट हम लोग ओपन करेंगे और इसके अंदर अब कुछ नहीं है। पैकेजिंग आई कैन से डिसेंट है। चलिए फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें। पहले हम लोग ये मैनुअल देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ मैनुअल पे दिखा है कि कैसे आपको ये लगाना है। टू स्टेप लॉकिंग है और जस्ट स्क्रू वगैरह के बारे में दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखते हैं होल्डर के बारे में। तो इसमें तो ये काइंड ऑफ ए होल्डर वाला पार्ट है, यहाँ पे मोबाइल होल्ड होगा, ये इससे आप इनक्रीज कर सकते हो। फिर इसमें आप मोबाइल डाल के, जब मोबाइल डालोगे तो ये बंद होगा। तो लेट मी शो यू एक मोबाइल डाल के कैसे ये होता है। मेरे पास एक ये मोबाइल है, तो चलिए इसको करते हैं। तो पहले इसको फैलाने के लिए आप इसको ऐसे दबाइएगा तो ये लॉक हो जाएगा और ये फैल जाएगा। इसके बाद मोबाइल को यहाँ पे रखिए और इसको मोबाइल जस्ट थोड़ा सा प्रेस कीजिए, प्रेस करने पे ये अपने आप लॉक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देख रहे हो कि यहाँ पे भी आपका एक सपोर्ट दिया हुआ है, तो ये आप कहीं भी हटा सकते हो। माइक्रोफोन के पास अगर आपको उसे नहीं रखना है तो आप इधर कर सकते हो, माइक के स्पीकर के पास अगर आपको चार्जिंग करना है तो चार्जिंग पोर्ट से हटा सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। ये देखते हैं कि कैसा होल्ड किया है। तो काफ़ी अच्छा होल्ड किए हुए है मोबाइल को, तो ये तो काफ़ी बेटर लग रहा है। लेट्स सी इसको कनेक्ट करते हैं, उसका देखते हैं कैसे होता है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए मैं अपना मोबाइल हटा दूंगा, इसको बगल में रख दूंगा, हम दूसरा पार्ट देखेंगे। ये दूसरा पार्ट है, ये जेल पे एक काइंड ऑफ ए फिल्म लगा हुआ है जिसको हटाना होगा लगाने से पहले। और उसके बाद ये अभी तो लॉक पोजिशन में, तो इसको भी मैंने अनलॉक कर दिया है और यहाँ पे एक्चुअली ये फिट होगा। तो अभी ये जैसे ये जो एडजस्टेबल है इसको आप यहाँ पे वो करके स्क्रू टाइट करके इसको आप टाइट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हिल नहीं रहा है। ओके, इसको सेकंड पार्ट इसमें कनेक्ट करके, तो सेकंड पार्ट कनेक्ट होगा तो ये जो हेड है ये इसके अंदर जाएगा। इसको आप करने के लिए इसको आपको लूजन करना पड़ेगा, और लूजन करने के बाद इसमें आपको प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस करने ये होल्ड हो जाएगा। और इसको टाइट करने के लिए इसको आप अगेन आप कर सकते हैं, तो ये टाइट हो गया है और ये फिट ऐसे हो जाएगा। अब आप जब आप ये जब होल्ड कर दोगे इस पर तो फिर ये आप अपने हिसाब से, अगर आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए कि कहाँ पे आपका सही लगे। जैसे कि मोस्टली ऐसे ही रखूँगा हॉरिजॉन्टली, और इसको मैं यहाँ पे लॉक कर दे रहा हूँ। इसको कार में मैं चल के दिखाऊंगा कैसे ये होता है, और ये यहाँ पे होल्ड करूँगा।
तो ये काइंड ऑफ एक पूरा बन गया है। यहाँ पे आप मोबाइल रखिए और आप शूट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट मैं आपको कार में दिखाऊंगा, तो चलिए हम आप कार में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कैसे इसको सेट करना है। मैं अपनी कार में आ चुका हूँ और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ मैं फिक्स करने वाला हूँ और उसके लिए क्या क्या क्लीनिंग और कैसे मैं कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा, तो उसके लिए चलिए मैं दिखाता हूँ। तो मेरे पास एक ये कपड़े से मैं इस यहाँ इस जगह को पोंछ लेता हूँ। फिर मेरे पास एक माइक्रोफाइबर भी है, उससे भी मैं एक बार यहाँ पे अच्छे से इसको पोंछ लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगेगा लगने के बाद। तो ये समथिंग ऐसा रहेगा, तो ताकि ये इजी रहे मेरे लिए भी रिकॉर्ड ऑन करना और प्लस मेरा व्यूइंग को वो रोक ना सके। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। तो मैं ये फिल्म को हटा दे रहा हूँ और इसको मैं फिक्स करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो ये फिक्स हो चुका है, ये आराम से फिक्स है। अब मुझे लगता है कि ये व्यूइंग पोजीशन सही रहेगा, तो इस व्यूइंग पोजीशन पे मैं इसको इसको लॉक कर देता हूँ। तो ये लॉक हो चुका है इस व्यूइंग पोजीशन पे। अब मैं आपको एक कैमरा लगा के दिखा एक मोबाइल लगा के दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो मैं यहाँ पे इस कैमरे को लगा और इसको मैंने लॉक कर दिया, तो ये ऑन कर दिया हूँ। ये देखिए ये सारा सामने का और रिकॉर्ड हो रहा है। फाइनल चीज़ कि इसका क्या प्राइस था, तो ये मैंने 349 रुपीज़ पे किया है अमेज़ॉन पे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको जाके खरीद सकते हैं। यूजेज का मैं रिव्यू काइंड ऑफ क्या कितना पॉइंट्स देता हूँ आउट ऑफ 5, ये मैं मे बी 5 or 6 days और मे बी 1 or 2 weeks यूज़ करने के बाद आपको दूंगा। तो उसके तब तक आप इस वीडियो को देखिए और क्या रेटिंग मैं देता हूँ इसके लिए आप प्लीज़ 2 week का वेट कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए और ये यूज़फुल हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा